अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऐं जुमा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। पंहिंजी मॉर्निंग में तव्हां सभिनी खे वेलकम कयूं था। उमेद है तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा, मज़े में हूंदा। मां आहियां उनसा शाह। आऊं आहियां सजाद सुहाग। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ख़ुश जो आवाज़ जो ऐं जुमे जो बाबरकत ॾींहुं आहे। जुमे ते वरी ख़ासि दुआउनि जो अहतमाम सभिनी जे घरनि में, सभिनी जे मिज़ाजनि में, ज़हन में ऐं तबियतुनि में उहा महकार ईंदी आहे त अॼु जुमे जो ॾींहुं आहे। पोइ घणनि जे किचन जा अॼु शेड्यूल चेंज थी वेंदा आहिनि, घणनि जे रुटीन चेंज थी वेंदा आहिनि, पर ऑब्वियसली हीउ ॾींहुं ॾाढो इंपॉर्टेंट आहे, ॾाढो अहम आहे ऐं हफ़्ते जे सभिनी ॾींहंनि मां मोतबर ॾींहुं सॼो वेंदो आहे। सो इन ॾींहं ते असांजी इहा ई सभिनी जे लाइ दुआ त रब पाक आसानी करे, ख़ुशियूं आणे, अंगण आबाद हुजनि, चहिरा मुस्कराईंदड़ हुजनि, हमेशह चहिरनि ते मुस्कुराहट हुजनि ऐं ज़िंदगी जूं रौनकूं असां तव्हांजे अंगणनि ते, अंदरि में, चहिरनि ते, मुस्कुराहटनि में नज़र अचनि। अला सां आबाद कंदो तव्हांखे, असांखे सभिनी खे। शल जिथे बि रहो ख़ुशि रहो। ऐं पुछंदसि उनसां खां त अॼु तव्हां ठीकु आहियो? बिल्कुलु ठीकु ठाकु। अॼु छा मतिलबु डेली मां ठीकु हूंदी आहियां, अलहमदिल्ला। अलाह जो शुक्र आहे की मां बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां। माशाल्लाह। टेस्टूं तव्हांजी नॉर्मल अची वियूं? टेस्टूं मुंहिंजी नॉर्मल ई आहिनि, मूंखे कराइण जी बिल्कुलु बि ज़रूरत न आहे। तव्हांजी टेस्ट सही आहे या न? हाणे आउं काफ़ी बहितर महसूसु थो कयां, शुक्र अलहमदिल्ला। असां वटि एतिरा डॉक्टर्स ईंदा आहिनि डेली त असां त बिल्कुलु ई फिट फाट आहियूं। अलहमदिल्ला। ऐं हूअं बि हिकिड़ी मतिलबु ह्यूमन साइकोलॉजी इहा हूंदी आहे त कंहिंसां तव्हां कचहरी कयो ऐं कचहरी कंदे कंदे तव्हां हुनखे चवनि, यार हीअ तोखे अखियुनि जे हेठां हल्का या हे तोखे छा थियो आहे, तूं कॉन्शियस थी वेंदो, हिकदमि मोबाइल ते पंहिंजो कैमरा खोलींदो या आईनो ॻोल्हींदो या चुप थी वेंदो। चयो की हींअर न शो स्टार्ट थियण खां पोइ हिननि मूंखे चयो की तूं जेके लाइट तुंहिंजे फेस ते घटि पई पवे, त मां कॉन्शियस थी वियो की वाक़ई यार मुंहिंजी ब्यूटी में जेको आहे घटिताई त न पई थिए। सम्झो छो रीज़न बिहाइंड इट, की असां वटि जेके नेगेटिव इम्पेक्ट पवंदा आहिनि ऐं जेके पॉज़िटिव इम्पेक्ट पवंदा आहिनि सिर्फ़ु असांजे लहजनि, रवैयनि सां, लफ़्ज़नि सां पवंदा आहिनि। ऐं जेकॾहिं आउं तव्हांखे अचणु शर्त चवां, ॾाढा ज़बरदस्त बहितरीन था लॻो, त ऑब्वियसली तव्हांजो कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त थींदो, ठीकु आहे। सो तव्हां वाक़ई ॾाढा सुठा था लॻो। मां इलाही सुठी आहियां, मतलबु लॻंदी जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे, मूंखे ख़बर आहे की मां इलाही सुठी आहियां। ओके, एनीवेज असांजी जेको प्रोग्राम पंहिंजी मॉर्निंग जा स्पॉन्सर्स अॼु जा आहिनि स्टाइलो शूज़ ऐं स्टाइलो बैग्स वारा। ऐं स्टाइलो वारा चवनि था कि इस वेडिंग सीज़न स्टाइलो या वेडिंग कलेक्शन की एक वसी रेंज शादी सीज़न को मद्दे नज़र रखते हुए स्टाइलो वेडिंग कलेक्शन में 2021 में आप देखेंगे मुनफरद स्टाइल डिज़ाइन, मुख्तलिफ फैशनेबल वैरायटी जिसमें सेमी फॉर्मल, फॉर्मल, हाई हील्स, खुस्से सब शामिल हैं। खूबसूरती के साथ साथ इस बात का ख्याल रखा गया है कि जूते कम्फर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि शादी के फंक्शन में आप अनकंफर्टेबल ना हो। मेरी वेडिंग कहानी के ज़रिए स्टाइलो ने डेस्टिनेशन वेडिंग के ट्रेंड को नहायत मुनफरिद तरीके से स्क्रीन पर दिखाया है। डेस्टिनेशन वेडिंग की ये कहानी इंस्पायर्ड है उन लोगों की शादियों से जो अपनी ज़िंदगी का हसीन मुनफरिद आगाज़ मुनफरिद लोकेशन पर करना चाहते हैं। इस फिल्म की कहानी को हुंजा की हसीन वादियों में फिल्माया गया है जिसमें दिलकश नज़ारों और बुलंदोबाला पहाड़ों के साथ स्टाइलो शूज़ की ब्राइडल कलेक्शन को शादी के मुख्तलिफ इवेंट्स पर मुनफरिद अंदाज से दिखाया गया है। इसके साथ साथ स्टाइलो के तमाम आउटलेट पर फैंसी क्लचेस, ज्वेलरी, परफ्यूम, स्टाइलो प्रिंट की वसी वैरायटी मौजूद है जिससे आपको वेडिंग की शॉपिंग में और भी आसानी होगी। हर साल की तरह इस साल भी वेडिंग कलेक्शन में कस्टमर की पसंद का ख़ास ख्याल रखा गया है। हमें पूरा यकीन है कि इस दफ़ा भी आपको हमारी स्टाइलो वेडिंग कलेक्शन बहुत पसंद आएगी। द डेस्टिनेशन वेडिंग जो जेको अॼुकल्ह ट्रेंड हलियो आहे, तव्हांखे बि ख़बर हूंदी कि मुख़्तलिफ़ जायुनि ते वञी शादियूं कनि था, के जेके नॉर्दन एरियाज़ आहिनि या पाकिस्तान खां ॿाहिरि, पाकिस्तान खां ॿाहिरि या वॾा वॾा जेके फार्म हाउसिस आहिनि दुनिया जा, वॾा वॾा होटल्स आहिनि, हितां पूरी ॼञ वञी करे हुते शादी करे थी ऐं उन ॼञ जो ख़र्चु केरु भरींदो, उहा अलॻि ॻाल्हि आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हां जॾहिं जूतनि जी ॻाल्हि कई आहे त अॼु पंहिंजी अख़बार में ॾाढी ज़बरदस्त ख़बर लॻी आहे त जूता केरु थो पाए, केरु थो खाए,
अलग अलग गाल जूता पर पानी खपण तो पर 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 जूतन जो पुरानो जोड़ो 26 करोड़ रुपयन में नीलाम ओ माय गॉड के जो जूतो इन कर चवा तो यो जूतो पाए के तो जूता तो जूतन जड़ा है पर आखिर जूते में केड़ी खास गाला जो जूतो 26 करोड़ रुपयन में नीलाम अमेरिकी बास्केटबॉल रांदीगर माइकल जॉर्डन जो जूतो नीलाम थियो ठीक है मशहूर रांदीगर जूतन जो वो जोड़ो 1984 में इस्तेमाल कयो सो जूतन जने जोड़े ते माइकल जॉर्डन जी सही पिण थियल है बिल्कुल ये थींदो आए स्पोर्ट्स पर्संस हुंदा आइन या सेलिब्रिटीज हुंदा आइन उन्होंने मुख्तलिफ शयूं जी जैकेट्स हुयूं बैट्स हुआ बॉल्स हुआ ओए ऑटोग्राफ्स सा गड सेल थिंदा आइन आए ऑक्शन में वींदा आइन आए पो माणू वडी वडी बिड्स हणंदा आइन आए पो खरीद कंदा आइन आई दुनिया जा जके ब कारोबार हन उन में एक कारोबार उए थन था जके तहां असा के घट नजर इंदा हन आई असा समझंदा आयो त ही वडो बंगलो ही फार्म हाउस ही जमीन ही होटल ही जका छ असा खरीद के ही डायमंड खरीद किया सी त यो शायद वडो में पर जको एलीट क्लास जो क्लब आ जके वडन मानन जो आ एकड़ा चौंचला चे जने कुछ चे उआ पंजी ट्रांजैक्शन या पंजा पैसा सेव करने लाय छा कंदा हन उए महंगा महंगा कालीन खरीद कंदा हन ए कालीन खपाइंदा हन उन्हें कालीन की कीमत भी करोड़न में होंगी और जो पिक्चर्स जो तस्वीरों जो होंदन जो एंटीक किस्म जो तस्वीरों सड़ाई भी या एंटीक किस्म जो शूं उन्हें हू पे पैसों के सेव कर एक बे के लिए ये समझो तो एग्जैक्टली वो इं कारोबार या पे पैसों के महफूज कर दिखाने का बगैर उनको मखसूस क्लब है जैमें हू इन तरीके से पैसा बचाईंदा शूज जेकेन फैंसी शूज तहां के छा तो वने ना केड़ो जे अगर ता गोल्डन वारो वधिक बेहतर पे लगे आ छो तो मा थोड़े हाई हील्स पाइंदी आ बाकी सब सुठा है सब शादी की शॉपिंग ता तरह स्टाइल हो तरह जने शॉपिंग की ता ना वो ना पुराने जमाने में हम शादी थी चुकी ता एनीवेज ता वनी सको तो दिसी सको था वेडिंग कलेक्शन स्टाइल हो जी आ अजी जितनी बस भेनरों ने संदियो ना इते ही पसंद करनी वाओ केदो जबरदस्त ता इन लाइ वीसी रखनी पड़ी शादी में ही होंदो है ना के जेको सूट होंदो है उनसा अगर मैचिंग शूज है क्लच या बैग होना जरूरी है जिस तई शादी जी जेका शॉपिंग आयो इनकम्प्लीट होंदी है जिस तई शूज ना हो जन बैग ना हो जे जेको है क्लच ना हो जे जबरदस्त अदी नसीम ना आला तो अदी नसीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग की आयो ठीक आयो हैप्पी हैप्पी आयो खैर मुबारक ता के मुबारक हो जे आई जरूर बिरयानी ठांदी हुंदी या पुलाव ठांदो हुंदो बुधाए पुछण की जरूरत ना है अज छुजो सब नेशनल डे आ जा नेशनल डे नेशनल डिश है नेशनल बिरयानी डे आ हर जुमे ते बिरयानी पुलाव मां जदे घर घर इता ऑफिस आइस पे त सुबह जो मुनी जका किचन वारी माई जैसे मां बस निकतस पे तो चई के अज तो बिरयानी ठांदी ना मुझे हाँ बस जाने की जरूरत ही ना है तो मुझे चिकन वगैरह कढ़ी रख जा तो अज केड़ी बिरयानी होती नालो चाव हैदराबादी बिरयानी ठायूं था हैदराबादी बिरयानी चटपटी होण घुर चटपटी हैदराबादी चटपटी होंदी ना अगर तहां के दी ता मौको मिले को आई अगर चावर घट थे या मुर्गी घट हो जाए तो थोड़ी मिर्चू वधी वधा छजो मतलब थोरो थोरो खाई रेसिपी ना जबरदस्त रेसिपी यो सीक्रेट खबर पई है ना मां ये के बुदना सही मां विदना सरे मिर्चू अदी स्टाइल जो जसा स्टाइल लगला तहां अगर ने मां पसंद कयो तो मां बस जूता पसंद करे छजा ब करे छजा तो हां ब करे छजा निकड़ो खोसो वठंदस जी बियो इन में हील वारो एकड़ो वठंदस हील वारो गोल्डन त ना कौन सा पसंद किया वो तो जो थी गोल्डन पैन वो जो तो पसंद करे तेरी मु कब्जो करे शुरू हां अच्छा तवा बुधायो केड़ो वठंदा मतलब घर वारन ला हां हां वो तो पो आउ पंजा निशान दिसी करे पो मां तो खुसो ही चंदो हां वो ही जादी ता ये गए ता के हिल ताले सही ना है यो तो हां मतलब जो मुझे याद तो अच्छे तो मां खुसो ठीक है हर बार मतलब एकड़ो बदनाम मानु करन था बाकी लेडीज बेचारी छो कर दी बेचारी इतनी मासूम हुंदी वो है मासूम हुंदी वानी है थोड़ा यार असा एक मेहमान आई उन्होंने चयो तो मैं जितने पैसे होते हैं ना मैं मुझे तो बहुत जूते पसंद हैं तो उनसे चेस तो फिर आपको यू तो विसारे न तो हाँ विसारे तो हाँ मैंने चयो मेरी तो पसंद है तो अच्छा आपको आपको जूते बहुत अच्छे लगते हैं हम आपको जूते देंगे उसने तो उन्होंने चयो क्या मतलब उन्होंने चयो जहाँ भी मैं जाती हूँ सबसे पहले मेरी नज़र जूतों पर पड़ती है उनसे जो अच्छा आपको जूते मतलब बहुत पसंद है
लफ्ज़ बमानाउम थी सकन थी पर बहरहाल ऑफ करण लाइ दोस्तों सोशल मीडिया की गाल कजे सोशल मीडिया से वे में वो नेटवर्क जो सोशल मीडिया जो नेटवर्क हों फेसबुक जिते घणे में घणी मार हुंदी आहे उन पंजो नालो चेंज करे छॾियो ऐं उन पंजो कंपनी जो नालो आहे फेसबुक जो नालो चेंज न कयो आहे कंपनी जो नालो चेंज थियो आहे मैट मैट है ना छा नालो मेटा हां ताई उन में जेके फीचर्स हन से ॾाढा जबरदस्त हन ऐं मां त अॼु सुबुह जॾहिं उन जे डिटेल में ॾिठमि त मां त वाकई हैरान थियसि त हाणे अहिड़े क़िस्म जी हॉरिज़न क़िस्म जी शयूं उन में अचनि पियूं जंहिंमें असां पाण जीअं होलोग्राम या जी लेटेस्ट दुनिया जो शयूं अचन पियूं तो किथे भी तुम वही सो किथे भी तुम कें भी प्रोग्राम में शामिल थी सको उन एप के जरिए फील थी तुम पान उत वेठा आबरदस्त उन एक बे टेक्नोलॉजी से लाइव चेट आज घर भातिन से हो शॉपिंग कर कें घुम मतलब उन में मां त हैरान थी वियसि उन जा एप्लीकेशंस जा ॾिसी करे फीचर्स त छा छा हूंदो हाणे अॼु वरी जेको तव्हां आहे न ॻाल्हियुनि में लॻायो पिया ऐं मुंहिंजो जेको सेगमेंट आहे न तव्हांखे मिस करण मां हा त अॼु असां मिटा थी ॻाल्हाईंदासीं ऐं जेको अॼोको ॾींहुं तव्हांजो बहितरीन गुज़रंदो तव्हां जेकॾहिं टेक्नोलॉजी खे ध्यानु ॾींदा तव्हां जेकॾहिं सुठे तरीक़े सां हाणे वक़्तु थी वियो आहे टैरो कार्ड्स जो आहे अॼु जो ॾींहुं तव्हांजो 29th ऑफ अक्टूबर आहे कॉलर नसा सा जेसी तहां पंजा सेट करे बैठो अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग हैप्पी बर्थडे टू यू अदिसना वालेकुम अस्सलाम गुड मॉर्निंग क्या हाल आका सजात खुश आयो ने बिल्कुल ठीक ठाक त खुश आया तहां के सालगिरह जो लख लख मुबारकू थैंक यू सो मच अदा म बिल्कुल कल प्रोग्राम लिखो पए तहां सबन की वडी मेहरबानी अति अति शाजिया जी वरी मेहरबानी जिन सबन विच पयम गुलाडी खुशी थी अति शाजिया खुश आयो त ठीक आ उन के याद कयो कल मयार नी त ता मखे याद न कंदा सो हां ता याद करे ता वठो अति सना यो खैर सा काई बर्थडे हुई ये जरूरी गाल पुछड़ी है अता हाँ मा ता जी बेरा मा बुदाई ना माने अति मा हाने 27 साल गरा कई पंजी ता ता जी घणी थी सॉरी ना कई अदा मुझे ता हुंदी खराब मा मर्द जी दिक ज़बान हूंदी आहे न दी हा मूंखां 5 साल पहिरियां कंहिं पुछियो मां चयो 27 साल अजे भी मुखा केर पुछना मा चो 27 साल मर्द जी इतनी जबान लगे तो जबान ते ग्लू लगी मर्द जी इतनी जबान हुई है ऐसा माइन मांग के मत कर नहीं जी दी वो भाईयो लखा वाली बताओ ना 27 बड़ा का लिखिया 3 दफा लिखिया चलो डाडो सुठो कुछ बियो चवण चाहियो ता असा जो स्टाइलो जी कलेक्शन डठी ता के लगी स्क्रीन ते जी अदा मा बिल्कुल वो दिखा पे मुके स्टाइलो जी कलेक्शन लाडी सुठी लगी ऐं प्रोग्राम शुक्र आला जो असां वटि चैनल खुली वियो त असां हाणे हाणे प्रोग्राम ॾिसी सघूं था न त प्रोग्राम कान था ॾिसी सघूं हा न दी बसि हाणे वरी तव्हां सां रोज़ थींदी मुलाक़ात ऐं को ॿियो मैसेज ॾियणु चाहियो का ॻाल्हि करणु चाहियो हा अदा मूंखे अॼु इंसान खां सवाल करणो हुयो इंसान ते सितारनि जो असरु केतिरो थो पवे छा थो पवे कहिड़ो सवाल आहे सितारनि जो हलो जी जी फीस जे मु हिननि खे ट्रेन करे छॾियो आहे मां त पंहिंजी गाॾी जे पुठियां लिख रहियां थो यहां पे हर किस्म की बीमारी का इलाज किया जाता है टैरो कार्ड रीडर ऐं ड्रीम रीडर सब थी विया आहिनि पंहिंजे हिसाब सां अलॻि अलॻि ॾिसे थो जॾहिं बि यूट्यूब ते अची थो वञे त मुंहिंजी टेस्ट हूंदी त वापसि
ठीकु आहे, अगरि तव्हांखे हितां का शइ खपे स्टाइलो मां त तव्हां छा वठणु चाहींदव? सुठो थियो अंग्रेज़ी में नालो वरितई। कहिड़ो शूज़ खपे तव्हांखे? खुसा बि आहिनि असां वटि, हाई हील्स वारा बि आहिनि। हाणे तव्हां ईअं वञो, तव्हांजो जेको वेझो जेको स्टाइलोजी आउटलेट हुजे उते वञो ऐं खुसा वठो। वरी महिरबानी थी सना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ऐं इनशा ताला तव्हां सां हाणे जुड़ंदा रहंदासीं, राब्तो रहंदो ऐं हलूं था टेरो कार्ड जे पासे। जी, टाइम घटि आहे, मुक़ाबिलो सख़्तु आहे। एरीज़ खां शुरू कयूं था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आहे, एरीज़ जंहिंजो हुमल जंहिंजो स्टार आहे। अॼु जो ॾींहुं तव्हांजो ॾाढो एनर्जेटिक बिज़ी रहंदो एरीज़ वारनि जो, ऐं फुल ऑफ एनर्जी रहंदा। इलाही सारा कमु कंदा, जेके कमु जेके न थी सघिया हुआ उहे बि तव्हां अॼु कंप्लीट कंदा। टॉरस वारनि लाइ कार्ड आहे टेन ऑफ कप्स जो। टॉरस वारनि जो अॼु जो ॾींहुं ॾाढो ख़ुशियुनि वारो, हैप्पीली एवर आफ्टर जो ॾींहुं आहे। ख़ुशियुनि हैप्पीनेस रहंदी घर वारनि जी तरफ़ां, ॿारनि जी तरफ़ां। शादी जो कार्ड बि हूंदी आहे, हूंदो आहे त काफ़ी टॉरस वारनि जी अॼु शादी जल्दी कान्हे का, आराम आराम सां अञा आहे टाइम, न्यूज़ में अञा आहे टाइम, तव्हां आराम सां ॿुधायो। अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आहे जेमिनी वारनि लाइ। त पैसनि जी अॼु तव्हांखे इलाही फ़ाइदो थींदो किथां, ऐं जेको बि तव्हां कमु कयो पिया उन में काफ़ी बरक़त, कामयाबी, सक्सेस, स्टेबिलिटी ॾिसण में पई अचे। ऐं सेल्फ केयर जो बि कार्ड हूंदो आहे, कुझु टाइम तव्हां पंहिंजे लाइ थोरो वक़्तु पंहिंजे लाइ कढो ऐं सेल्फ केयर ज़रूरु कयो। कैंसर वारनि लाइ, सरतान वारनि लाइ थ्री ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड आहे। कैंसर वारा अॼु थोरा डाउन रहंदा, डिसअपॉइंटमेंट जो कार्ड बि हूंदो आहे। कंहिं शइ ते तव्हांखे का उमेद आहे, का एक्सपेक्टेशंस आहे, को कमु तव्हां करणु चाहियो था या तव्हांजो को प्लान आहे, त उन में बि का डिसअपॉइंटमेंट, दोस्त जे तरफ़ां बि तव्हां हर्ट थी सघे, का ॻाल्हि तव्हांखे का अहिड़ी ॻाल्हि दिलि खां लॻी सघे थी, हर्ट थी सघो था, अफ़सोस थी सघे थो दिलि या दिमाग़ सां। दिमाग़ सां, अच्छा। कैंसर खां पोइ आहे लियो, किंग ऑफ कप्स जो कार्ड आहे लियो वारनि लाइ। काइंड ऐं डिवोटेड लीडर जो हूंदो आहे अॼु जो ॾींहुं जेको आहे लियो वारनि लाइ। इमोशनल ॾींहुं रहंदो, दोस्तनि सां मुलाक़ात, दोस्तनि सां गॾु इंजॉय कंदा, घर वारनि सां गॾु बि इंजॉय करे सघो था। इमोशनल डे हूंदो, घर वारनि सां बि, न त दोस्तनि सां इंजॉय कंदो ई कंदो, घर वारनि सां बि आसरो आहे त तव्हां सम्झी विया हूंदा दिन सी, तव्हां बि लियो आहे जी ज़रूरत आहे। कुझु अहिड़ा माण्हू तव्हांजे सोशल सर्कल में, तव्हांजे दोस्तनि में अहिड़ा थी सघनि था जेके तव्हांजा दुश्मन बि आहिनि, जेलस आहिनि। लियो खां पोइ आहे वर्गो, पेज ऑफ कप्स जो कार्ड आहे। वर्गो सुमला वारनि लाइ का ख़ुशिखबरी, तव्हांखे गुड न्यूज़ अॼु जे ॾींहुं मिलंदी, स्पेशली ॿारनि सां रिलेटेड तव्हांखे का ख़ुशिखबरी, गुड न्यूज़ मिली सघे थी, या को पुराणो दोस्त तव्हांखे मैसेज या कॉल करे सघे थो। लिब्रा वारनि लाइ फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अॼु जो ॾींहुं तव्हां लाइ काफ़ी चैलेंजिंग ॾींहुं रहंदो, कन्फ्यूजन, स्ट्रगल, इलाही महिनत कंदा ऐं कंहिं का बि तव्हांजो गोल आहे अचीव करण में तव्हांखे काफ़ी चैलेंजेस, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करणा पवंदा, पर तव्हां उन में कामयाबी ज़रूरु मिलंदी। स्कॉर्पियो सेवन ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आहे स्कॉर्पियंस लाइ, अक्रब वारनि लाइ। ऐं इहो कार्ड आहे स्कॉर्पियो वारा, अॼु पैसा बिल्कुलु बि तव्हांखे किथे इन्वेस्ट न करणा आहिनि, किथे ख़र्च न करणा आहिनि। अगरि को माण्हू तव्हांखे पैसा उधार वठणु अचे त तव्हांखे उनखे पैसा बिल्कुलु बि न ॾियणा आहिनि, तव्हांजा पैसा जेके आहिनि स्टक थी सघनि। सुबुह ॻाल्हि कई तव्हां खां कुझु पैसनि जी मूंखे ज़रूरत आहे, पंहिंजो कार्ड पाण कढी अलॻि सां रखी स्कॉर्पियो ते, ही कार्ड कढंदा चैरिएट जो त अॼु काफ़ी ॾींहुं बिज़ी रहंदो, ट्रेवल बि थी करे सघो था सेजिटेरियस वारा अॼु ॾींहुं, जेको अप्स एंड डाउन्स रहंदा रहंदा, पर तव्हांजो मोस्टली जेको ॾींहुं आहे उहो ट्रेवलिंग में गुज़रंदो। कैप्रिकॉन वारनि लाइ कार्ड आहे एस ऑफ वॉन्ड्स जो, जद्दी जंहिंजो स्टार आहे। न्यू बिगिनिंग जो कार्ड हूंदो आहे, को नयो कमु शुरू कंदा, को नयो बिज़नेस थी सघे थो, का नई जॉब थी सघे थी, के नए रिलेशनशिप में बि अची सघो था, त न्यू कम, नए कम जी जो आगाज़ अॼु जे ॾींहुं थी सघे थो।
एक्वेरियस वारन लाइ कार्ड आहे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जो ऐं इहो ज़बरदस्त पॉज़िटिव कार्ड हूंदो आहे स्पेशली पेशंस सां रिलेटेड छो त हीउ पेंटिकल्स जो सजा जो फेवरेट कार्ड हूंदो आहे तव्हांजो जेका सैलरी आहे उहो इनक्रीज़ थी सघे थी किथां प्रॉफिट तव्हांखे मिली सघे थो को दोस्त तव्हांखे गिफ्ट ॾेई सघे थो हिन जे अलावा तव्हांखे प्रमोशन बि मिली सघे थी कंहिं बि हवाले सां अगरि तव्हां इन्वेस्टमेंट कंदा अॼु बिज़नेस कंदा त तव्हांखे हुन में फ़ाइदो मिलंदो बाक़ी Pisces वारन लाइ कार्ड आहे सेवन ऑफ सोर्ड्स जो इहो सेम कार्ड आहे न कल्ह जेको आयो हो Pisces वारनि लाइ कार्ड आहे के थोरो तव्हां पंहिंजूं दिलि जूं ॻाल्हियूं पंहिंजे हद ताईं रखंदा कयो ऐं जेके आहिनि हर माण्हू सां पंहिंजूं ॻाल्हियूं शेयर न कंदा हीअ उहे ई सीक्रेटिव आहिनि सीक्रेट रखंदा करियो पंहिंजूं दिलि जूं ॻाल्हियूं या जेके पर्सनल ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि घर सां मुतालिक फैमिली सां मुतालिक कई बि अहिड़ियूं बिज़नेस सां रिलेटेड कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हां हर हंधि रिवील न कंदा कयो हर हंधि जेके ॿुधाईंदा न कयो तव्हांखे नुक़सानु थींदो ऐं चोरी बि थी सघे थी का अहिड़ी का ॻाल्हि जी त पंहिंजूं शयूं जेके आहिनि उहे पहिरियां त ख़्यालु कबो आहे जेके घर में अहिड़ा मशकूक माण्हू हुजनि ॿियो ख़्यालु हूंदो आहे पाड़े वारनि ते शक हूंदो आहे पाड़े वारनि खे नज़र में रखे ऐं सजा जो वॉलेट बिल्कुलु साम्हूं आहे त मां चोरी कंदसि लाइ ॿुधायो जीअं अदी चयो पिए की स्टार्स जो जेको आहे केतिरो इम्पेक्ट पवंदो आहे तव्हांजी ज़िंदगी में त जेको 100% त ऑब्वियसली न हूंदो आहे पर इहो सॼो जेका कहाणी आहे जेका सॼी स्टोरी आहे उहो पंहिंजे बिलीव्स पंहिंजी फेथ ते केतिरो तव्हां हिन ते बिलीव था कयो ऐं हूअ बि आहे त जंहिं पासे ॾांहुं असां सोचींदा आहियूं जेको ज़हन में हूंदो आहे उहो अॻियां ज़रूरु थींदो आहे ज़रूरु ईंदो आहे बहरहाल हिते वधीक ॻाल्हाईंदासीं महिमान सां मुलाक़ात थींदी पर वक़्तु थियो हींअर असां वटि न्यूज़ ब्रेक जो पाण मिलंदासीं नंढी न्यूज़ ब्रेक खां पोइ भलीकार सभिनी गर्भातियुनि खे ऐं जेके गर्भाती असांजो हीउ प्रोग्राम ॾिसनि था उनखे न्यूज़ ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार ऐं ॿुधाईंदा हलूं त अॼु तव्हां मुंहिंजो थोरो ख़्यालु रखिजो जेके ॾिसण वारा आहियो छाकाणि त अॼु थोरो आउं माइनॉरिटी में आहियां ऐं तव्हां जीअं इंट्रोडक्शन थींदो रहंदो तव्हांखे अहसासु थींदो आहे सजाद छो ख़्यालु रखूं तव्हांजो सजाद तव्हांखे रेस्क्यू कयो वञे त वधीक सुठो आहे छाकाणि त अॼु असांजे प्रोग्राम में माशाल्लाह तमामु सुठा महिमान मौजूदु आहिनि जेके असांखे ब्यूटी टिप्स ते हेल्थ ते ऐं खाइण पीअण जे हवाले सां ओवरऑल हाणे हे हिननि जो सेगमेंट आहे ऐं पासे ते कुर्सी कहिड़ी पई आहे सोचियो अथमि त हुते आउं वेही रहां बिरहाल महिमान सां मुलाक़ात कंदा हलूं ऐं महिमान अॼु जेके असांजे प्रोग्राम जा महिमान आहिनि हिकु तमामु सुठी न्यूट्रिशनिस्ट आहे जेका असां जेको वापरायूं था केतिरो वापराइणु खपे जेको जंहिंजो असरु असांजे चहिरे ते उनजो छा इम्पेक्ट पवंदो केतिरा ख़ूबसूरत लॻंदासीं उन हवाले सां ऐं ॿी जेका असांजी महिमान आहे उन्हनि जो तालुक़ु ख़ूबसूरती सां आहे ई आहे त ख़ूबसूरत कीअं लॻजे जेकॾहिं खाधो पीतो बि सही आहे ठीकु आहे स्ट्रेस आहे कुझु बि आहे पर मेकअप में मां सभु कुझु लिकाए छॾींदसि ऐं तव्हां एॾा ख़ूबसूरत हसीन लॻंदव जो छा ॻाल्हि कजे असांजो मोहतरम ॿ महिमान मौजूदु आहिनि शख़्सियतूं अदी सदफ जुनैद सां गॾु अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग कीअं आहियो अदी ठीकु आहियो थैंक यू वेरी मच ऐं वेलकम अगेन एंड अगेन ऑलवेज ऐं असां गॾो गॾु सबीन फारूकी साहिब जेके न्यूट्रिशनिस्ट आहिनि अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग कैसी आप ठीक है माशाल्लाह वेलकम करते हैं आपको महानूर असांजी हिकु मॉडल हूंदी जिते ही मेकअप अॼु जेको तव्हांखे ॾेखारींदासीं छो त वेडिंग जेको सीज़न बि स्टार्ट आहे जीअं असां स्टाइलो जूं जेके आहिनि शूज़ वग़ैरह बैग्स बि रखिया आहिनि ऐं मूं बि सोचियो की शौक़ु पूरो करे वठां शूज़ पाए ऐं क्लच खणी स्टाइलो जा त हिन सां गॾु गॾु जेको आहे सदफ खां बि पुछूं था की वेडिंग सीज़न जो है स्टार्ट थी वियो आहे त कहिड़े क़िस्म जो मेकअप ब्राइडल जेके डिमांड छा आहे जेके तव्हां वटि ब्राइड्स अचनि थियूं हाणे उहो ई मौसमु थोरो सुठो थी वियो आहे पहिरीं त थोरो गर्मी हूंदी आहे त ऑब्वियसली हर शइ माण्हू जहिड़ो बिज़ार हूंदो आहे मेकअप खां विंटर्स में थोरो स्किन बि रिलैक्स हूंदी आहे ऐं मॉइस्चराइज़र करे हाइड्रेट करे हुनखे सुठो मेकअप थी थो सघे ब्राइडल्स में हींअर सटल बि मेकअप हले पियो क्लाइंट जी चॉइस ते बि डिपेंड करे थो क्लाइंट खे छा खपे अॼु असां शुरू कंदासीं छो जो असांजो पहिरियों सेगमेंट आहे टूवर्ड्स ब्यूटी त असां क्लेंज़िंग खां स्टार्ट करे थोरो स्किन ते ॻाल्हाईंदसि थोरी नॉलेज ॾींदासीं हुन खां पोइ असां वरी हुनखे बिल्ड कंदासीं त कहिड़ो मेकअप अॼु तव्हां ब्राइडल ॾींदा या अॼु आउं थोरो डे मेकअप खां पाण स्टार्ट कंदासीं बट गॾु गॾु आउं टिप्स ॾींदी वेंदसि त अगरि असांखे थोरो हुन में चेंजिस करिणियूं आहिनि थोरो हैवी मेकअप करिणो आहे त कीअं थो हुनखे हुते जो हुते चेंज करे सघूं उन खां पोइ जॾहिं थकिजी पवंदासीं ज़ाहिर कुझु न कुझु खाइणो पवंदो आहे न्यूट्रिशनिस्ट आहे उहा बि ॿुधाईंदी असांखे त छा खाइणु खपे पर अॼु असां तव्हांखे बिरयानी खाराईंदासीं जंहिंजे लाइ हिकु दफ़ो ॿीहर हलूं था नसीब वटि अदी तव्हां असांखे जल्दी जल्दी रेसिपी ॿुधायो त
माशाल्लाह जी पानी के सबने सवाल किया सलाम वालेकुम सलाम ताजुदी माफ़ी है सलाम पानी के सबने सवाल किया जो मेरे लिए मुबारक आज बाकी किचन में जगह रेसिपी आ रही वो आए हैदराबादी बिरयानी आज सब फिर दोनों के बारे में माँ के पूरी डिटेल बताया कि जैसे हम आए हैं गेट करना हैदराबादी बिरयानी मेरे चावल के तहाँ 30 मिनट से बजाय रखो चावल सेला हो जाए सेला के तो वही टाइम बढ़ा तो हुआ बाकी जगह पास तक ही होना है उनके नाम 30 मिनट से बजाय बजाय रखो उनके बाद में बॉइलिंग में जब बॉयल अच्छी होने तब उनमें नाम जो आवाज़ में माशाल्लाह तमाम ज़बरदस्त ॿुधूं था त अचूं था तव्हां हिकु दफ़ो ॿीहर थोरो टेक्निकल प्रॉब्लम आहे तव्हांजो आवाज़ क्लियर न पियो अचे हुन तव्हांजो माइक जी सबीन हाँ सबीन सां शुरू कयूं था सबीन अभी जो है सर्दियों का मौसम है तो कौन सी डाइट हमें क्यों चेंजेस करने पड़ेंगे क्या सर्दियों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे विटामिन सी विटामिन डी सर्दी में एक्चुअली होता है क्या कि आपकी सनलाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है क्योंकि दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं तो जब दिन छोटे और रात बड़ी हो जाती है तो उस वक्त आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सुबह के अर्ली मॉर्निंग्स में थोड़ा सा टाइम जो है वो सनलाइट में गुजारें ताकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो और विटामिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से लोगों का मूड डिप्रेसिव हो जाता है वो एंक्शस फील करते हैं रात को उनको ऐसा लगता है कि उनको डिप्रेशन हो रहा है हालांकि वो मरीज़ नहीं होते लेकिन वो साइकोलॉजिकल होता है और वो एक्चुअली विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो ऐसे खाने जिनके अंदर विटामिन डी होती है वो हमें खाने चाहिए और मैंने सुना है जो ग्रेप फ्रूट होता है वो बहुत सोर्स ऑफ फुल ऑफ विटामिन सी होता है वो सी है विटामिन सी और विटामिन डी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी में विटामिन डी की बढ़ जाती है सर्दियों में सो हमें जो ये नट्स होते हैं और सीड्स होते हैं और आपके घी है हेल्दी ऑयल्स जो हैं ये इन सब का कंजम्पशन ड्राई फ्रूट्स जो हैं इसीलिए तो सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है अल्लाह ताला ने हर सीज़न में उसके हिसाब से फल और फ्रूट्स बनाए ना तो सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं उस वक्त आपके ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को हीट की ज़रूरत होती है तो सर्दियों में फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है ना वो काफ़ी कम हो जाती है दिल नहीं चाहता कि वॉशरूम तक भी जाएँ या वज़ू करने जाएँ या जो एक्सरसाइज करने का भी दिल नहीं कर रहा होता तो क्या करना चाहिए अच्छा इसमें भी अल्लाह ताला ने ज़्यादा लगती है भूख ज़्यादा लगती है इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो अडेप्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि बाहर सर्दी होती है और बॉडी के अंदर गर्मी होती है तो अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं थर्मोजेनेसिस थर्मोजेनेसिस आपका बॉडी में बाय डिफ़ॉल्ट तेज़ हो जाता है सर्दियों में तो आपकी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है इसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है लेकिन ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो आप जो है वो खाना ज़्यादा ज़रूर खा सकते हैं यानी कि अगर गर्मी में आप एक रोटी खा रहे हैं तो आप डेढ़ खा सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी वो जिस मेटाबॉलिज्म आपका तेज़ हो जाता है फास्ट हो जाता वैसे भी हम मॉल्स में जाते हैं ना तो मैं अक्सर मिसेस को बोलता हूँ जो फूड कोर्ट में जाते हैं 85% तो खवातीन होती हैं जो 15% लोग काउंटर्स पर होते हैं ना वो भी उनके लिए कुछ ले रहे होते हैं बच्चों के लिए उनके लिए तो खवातीन माशाल्लाह पूरी न्यूट्रिशन उनको सब पता है क्या खाना है कब खाना है फ्रैंकली स्पीकिंग अब तो मुझे लगता है न्यूट्रिशन हर एक को ही पता है एवरीबडी थिंक्स गूगल के ऊपर चार चीज़ें आपने पढ़ ली और आपको पता है लेकिन आपको जब तक चीज़ की बेस नहीं पता और आपको कॉम्बिनेशंस नहीं पता तब तक आप जो हैं वो अपनी सेहत के साथ ज्यादा कहते हैं हाँ एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा चलते हैं अदी नसीम तां थोड़ो रेसिपी ॿुधायो त पोइ अदी शुरू आवाज़ तव्हांजो न पियो आयो न सलाम तव्हांजो क़बूल पियो बाक़ी हुन खां पोइ रेसिपी ॿुधायां ठीकु आहे पंहिंजी किचन में जेका रेसिपी आहे अॼु उहा हैदराबादी बिरयानी आहे हैदराबादी बिरयानी जा जेका इनग्रीडियंट आहिनि उहे मां तव्हांखे ॿुधायां थी चांवर तव्हां 30 मिनट्स अगरि सेला आहिनि त हुनखे कलाक खां वधीक तव्हां भिॼाए रखो था अगरि न आहे टाइम त पोइ गरम पाणी विझी 30 मिनट्स सेलनि खे भिॼाए सघो था पोइ ॿिया हू आहिनि त तव्हां 30 मिनट्स भिॼाए सघो था हुनखां बाद में जेको असां हुनजो प्रोसेस इहो आहे जेको बॉयल कंदासीं पाणी हुन में ॿ चमच विनेगर विझंदासीं ॿ चमच आयल जा विझंदासीं हिनजो फूदनो विझंदासीं टेस्ट जे लाइ कमालपट दालचीनी ऐं सावा मिर्च जीअं विझी हुन में असां बॉयल कंदासीं 70%
विनेगर इन जे करे विझंदासीं जो पाण में जेके विनेगर मां तव्हांखे ॿुधायो त हिन में चांवरनि में विनेगर त पाण में चांवर चिपकंदा न, तव्हां जॾहिं बिरयानी ठाहींदव त हू खुलिया खुलिया चांवर रहंदा। हुन खां बाद में जेको प्रोसेस आहे ॿियो चिकन आहे, चिकन खे तव्हां मेरीनेट माना मिक्स करियो, मेरीनेट में ॿुधायां थी मिक्स करण त में मसालो आहे जेके पिसियल मसालो हुजे उहो विझी छॾियो, हल्दी विझोसि त थूम अदरक जो पेस्ट विझी ॿ चमच ॾही जा विझी ऐं लेमन जो जूस विझी तव्हां हिनखे 10 मिंट जे लाइ मेरीनेट कयो। मेरी माना मिक्स करण जे लाइ हिनजे करे असां कंदा आहियूं जीअं टेस्ट अचे चिकन में, छो जो हिनखे घणो पचाइणी न हूंदी आहे चिकन में, असां बिरयानी में तए ॾींदासीं त थोरी देरि जे लाइ हिनखे पचाईंदासीं उहो ऑलरेडी हुन में ॻरी वेंदी ऐं टेस्ट बि अची वेंदसि। ऐं हुन खां बाद में जेको असां थर्ड प्रोसेस आहे असांजो मसालो ठाहींदासीं, हुन में आयल विझो, आयल विझी आयल खां बाद में हिन में बसर, बिरयानी में हमेशह घणा बसर कोन पवंदा आहिनि छो जो बिरयानी में कुझु माण्हू सोचींदा आहिनि त वधीक ग्रेवी थी वञे मतिलबु गोड़ गोड़ घणो थी वञे त हुनजे मथां थिए, पर न बसर हिन में ॿ बसर मीडियम साइज़ जा ॿ बसर विझो, हुनखे बिल्कुलु ब्राउन करियो, ब्राउन करे साड़ियो न ब्राउन करियो, ब्राउन करे पोइ थूम अदरक जो पेस्ट विझी पोइ टमाटा विझी, पटाटा विझणा आहिनि त भले पटाटा बि तव्हां विझी सघो था त बिरयानी में सुठा लॻंदा आहिनि उहे विझोसि। पोइ बाद में ॾही आहे, ॾही खे मिक्स करे विझी पोइ हुनखे ॾही खे बाहि न ॾियो छो जो ॾही हुते ई विझी हुन गरम हूंदो त हुन में जज़्ब थी वेंदो। पोइ जेके चांवर आहिनि असांजा बॉयल थियल पोइ हुनजा माना तए ॾियोसि या ईअं विझी छॾियोसि, पोइ हुन में विझी पोइ तव्हां जेके एसन आहे पर हाणे पंहिंजे हिसाब सां विझण जेको वधीक विझंदो त वधीक टे हिन में इहो थींदो, पोइ हुन में ॿ चमच आयल जा बि विझी छॾियो चांवरनि जे मथां, एसन ज़रदे जो कलर विझी कवर करे हुनखे तव्हां पेपर वाइट पेपर सां कवर करियो या तव्हां हुन में कोई साफ़ कपिड़ो आहे 10 मिंट जे लाइ दम ॾेई छॾियोसि। पोइ हुनखां बाद में तव्हांजी बिरयानी रेडी ऐं हुनखां बाद में जेका गार्निश सम्झी कंदासीं ब्राउन बसरनि जी गार्निश कंदासीं। पोइ हुनखां बाद में रायतो ठाहींदे, रायते में असांजो ज़ीरो आहे, ज़ीरे खे थोरो मतिलबु भुञींदासीं सिंधी चवंदा भुञी, पोइ हुनखे बाद में मिक्स करे थोरो चाट मसालो ऐं फूदनो इन जो पेस्ट विझंदासीं मिर्चनि जो, असांजो रायतो बि रेडी थी वेंदो। ज़बरदस्त, बिरयानी हुजे ऐं रायतो न हुजे मज़ो न ईंदो आहे, इनकम्प्लीट हूंदो आहे। ज़बरदस्त मेक ओवर कयो हो वीकेंड ते, मां उन्हनि जे जेका ट्रेनिंग अकेडमी में वई हो सैडीज़ अकेडमी में ऐं एॾो ज़बरदस्त मेक ओवर हो ऐं एतिरो नेचुरल मेकअप हो, फील बि न पियो थियो। बेस जेको आहे इंपॉर्टेंट जेका शइ हूंदी आहे उहा बेस हूंदी आहे ऐं बेस जेका आहे उहा तव्हांजी एतिरी घटि ऐं एतिरी सॉफ्ट उन्हनि हई हुई मूं ते, बिल्कुलु नो मेकअप लुक जेको आहे लॻो पए। असां अॼु पंहिंजी मॉडल खे महनूर खे थैंक्यू था करियूं त अॼु टाइम कढी आई आहे असां वटि। त असां पहिरीं जेको बि प्रोसीजर स्टार्ट कंदा आहियूं पहिरीं असां स्किन क्लीन कंदा आहियूं ज़रूरु ऐं हुनजो तरीक़ो इहो जो बैक ऑफ दी हैंड खां असां चेक कंदा आहियूं स्किन मॉडल जी त केतिरी स्केली आहे या ड्राई आहे या मॉइस्चराइज़्ड आहे, इहो पुछंदा बि आहियूं क्लाइंट खां त ही अॼु मॉइस्चराइज़ करे आई आहे पंहिंजी स्किन, स्क्रबिंग कॾहिं कई आहे लास्ट, स्किन जो फील करणु ज़रूरी आहे ऐं हितां चेक कंदा आहियूं बिकॉज ही इलाही डेलिकेट स्किन हूंदी आहे त हितां ख़बर पवंदी आहे असांखे त स्किन जो छा कंडीशन आहे एट द मोमेंट। असां स्टार्ट करियूं था सभिनी खां पहिरीं त हिकिड़ो ॿ कॉटन जा पैड्स खणी को बि क्लेंज़र खणी असां हुन ते हल्को खणी असां ॿ कॉटन जा पैड्स हुन में को बि क्लेंज़र खणी असां टोनर हूंदो आहे जी जी बसि हिन में असां थोरो सो आलो करे हिनखे तरीक़ो इहो जो बैक ऑफ क्लाइंट बि जेको बि आहे उहो हल्को साफ़ थी वञे, डर्ट क्लीन थी वञे। इहो हर मेकअप खां पहिरीं ज़रूरी आहे, इहो आउं ऑडियंस खे चवंदसि बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं छो जो गर्मी आहे हली अचूं था पल्यूटन्स हूंदा आहिनि त बसि हीअ साफ़ हूंदी आहे स्किन, बट हिकिड़ी फॉर्मेलिटी आहे जेके क्लाइंट खे बि थोरो सेटिस्फेक्शन हूंदी आहे त स्किन क्लीन थी वई आहे, जेके तव्हांजो टी ज़ोन आहे हुनखे क्लीन करणु ज़रूरी आहे। बसि आहिस्ते आहिस्ते हाणे असां मेकअप जो पंहिंजो स्टार्ट कंदासीं बिल्कुलु।
फर्स्ट स्टेप जो है वो असान जो है क्लेंजिंग है उन क्लेंजिंग जो को है हां क्लेंजिंग का पो असान थोड़ो मॉइस्चराइजर लगाइंदा सी जस्ट अ ड्रॉप और टू ऑन द फिंगर्स उन जो तरीको यो है जो असान बिल्कुल ही एकड़ो थोड़ो ड्रॉप खणी आई जे को असान जो ही ड्राई एरियाज आहिन सिर्फ फेस ते हणदा सी नेक ते न हणदा सी फेस ते जी फिलहाल फेस ते हणदा सी नेक ते असान पोइंदा कुछ जे की फीमेल्स आइन वो सिर्फ फेस ते फोकस कंदियो आइन आई तो नंदी जे का नेक हुंदी है नेक भी पार्ट है बॉडी जो विसरी विना इन मानु जी वो ख्याल रखण गोजे जी जी अच्छा मेकअप खां पेरी असान जने भी आजकल तो कॉन्टैक्ट एतरो आहे तो असान पेंजे हथन के जरे जरे सैनिटाइज असाई करण जरूरी है को भी सैनिटाइजर खणो आई पेंजे हथन के प्रॉपर्ली सैनिटाइज करो हर वक्त हर थोड़ी देर खां पोछो जो कॉन्टैक्ट तहां जो जेको है वो कस्टमर से डायरेक्ट थिए पियो तो उन सा हैंड सैनिटाइज करण जरूरी है हाँ स्टेप बाय स्टेप यो है तो असां करेक्शन कंदासीं हाँ करेक्शन छा है जेके असांजी स्किन टोन है उनके पुठियां एकड़ी अंडरटोन्स होंदियूं केंजू वेन्स पर्पल होंदियूं आहिनि केंजू अंडरटोन्स ऑलिव ग्रीन होंदियूं आहिनि केंजू येलो होंदियूं आहिनि त जॾहिं हू क्लैश कंदियूं आहिनि विद द रॉन्ग प्रोडक्ट फाउंडेशन जे शेड खां त स्किन तव्हांजी ग्रे थी वेंदी आहे त हुन ग्रेनेस खे ख़तमु करण लाइ असांजे रीजन में जेको ही ऑरेंज कलर आहे मूं एक्चुली पंहिंजो जेके बि प्रोडक्ट्स आहिनि मूं कढी हिन में मूं डिपॉट करे छॾिया आहिनि इहो बेस जेको आहे उहो हर हंधि मिली वञे थो हर हंधि मिले थो ऐं असांजे रीजन में बिकॉज स्वेटिंग घणी थी थिए ह्यूमिडिटी घणी आहे त असां क्रीम प्रोडक्ट्स घणो करे हलाईंदा आहियूं ऐं छो जो थोरो सामान कंदे एतिरो घणो सामान थी वेंदो आहे त मूं हिन खे डिपॉट करे हिन में रखी छॾियो आहे ठीकु आहे प्रोडक्ट माण्हू लिक्विड फाउंडेशन बि यूज़ कंदा जी जी त उहा लिक्विड फाउंडेशन बि वेदर ते अॼुकल्ह विंटर्स आहिनि त असां लिक्विड यूज़ करे सघूं था समर्स में थोरो क्रीम थिक हूंदी आहे न त लिक्विड बिल्कुलु मेल्ट डाउन थी वेंदो आहे लिक्विड बि तव्हांखे इस्तेमालु करिणो आहे पर पहिरीं इहो जेको ऑरेंज इहो ऑरेंज करेक्शन सां तव्हांजी कवरेज थी वञे बिल्कुलु ऐं हुनखे असां बैक ऑफ दी हैंड ते मेल्ट कंदासीं छो जो स्किन जी वॉर्म्थ सां ही मेल्ट डाउन थी वेंदो आहे ऐं कोशिशि कयो प्रोडक्ट जेको आहे उहो घटि में घटि घटि में घटि लेस इज़ मोर मेकअप में लेस इज़ मोर तव्हां थोरो खणो ॿी नीड आहे तव्हां वरी हणो हाणे हीअ असां करेक्शन कंदासीं जेके बि असांजा प्रॉब्लम एरियाज़ आहिनि फेस जे फॉर एग्ज़ाम्पल असांजा डार्क सर्कल्स आहिनि हुननि खे असां बिल्कुलु तव्हां ॾिसो टैपिंग पोज़िशन आहे महानूर आपको कोई प्रेशर फील हो रहा है हाथ पे ठीक है तो ये बिल्कुल लाइटली जहाँ भी हमें लगता है कि फ्लॉज हैं कोई मार्क्स हैं ऐसे जिनको हमें कवर करना है दाणन जा निशान है जी जेके भी पिगमेंटेशन आहे का हुआ हुआ कवर करना सी हल्का घणी पर्पल थी वेंदी आहे ब्यूटी स्लीप जेका आहे उहा 7-8 कलाक ज़रूरी आहे त तव्हांखे अगरि पंहिंजी ब्यूटी त जेके बि मार्क्स आहिनि उहे बसि असां कवर कंदासीं तव्हां वठंदा आहियो ब्यूटी स्लीप आऊं त निंड लाज़मी आहे कुझु हुजे निंड तमामु ज़रूरी आहे केतिरा कलाक सुम्हंदा आहियो तव्हां आऊं सुम्हंदा आहियां 12 कलाक सुम्हंदा हूंदा तव्हां ज़बरदस्त ॻाल्हि कई अॼु दोस्तो तमामु सुठी ॻाल्हि ऐं जॾहिं का सुठी ॻाल्हि थींदी आहे त आउं ब्रेक ते लही वेंदो आहियां वक़्तु ऐं नंढे कमर्शियल ब्रेक जी पाण लॻंदा कमर्शियल ब्रेक खां साथ साथ होता रहेगा भलीकार सभिनी गर्भातियुनि खे ऐं जेके ब्रेक खां अॻु में असां वटि जीअं ॻाल्हि कईसीं त शादियुनि जी त सीज़न आहे ई आहे हुन सां गॾु गॾु मेलाद ते वञण जे लाइ बि जेके असांजी औरतूं तयारु थींदियूं आहिनि त माशाला उहे ॾिसण जहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि उहा कीअं तकलीफ़ खां घटि न थींदो आहे सो ओवरऑल सुठो लॻणु तमामु सुठी ॻाल्हि आहे ऐं हलंदासीं सभिनि ॾे छाकाणि त असांजे किचन जो तड़को शुरू थी हल्की हल्की खंघ बि थींदी हल्को हल्को ज़ाहिर आहे घर में किचन बि हूंदो आहे मेकअप बि थींदो आहे सभु बिरयानी लाइ जेको आहे न हर को जेको इहे शयूं बर्दाश्त करे सघे सभिनि आप ख़ुदि मेकअप करती आहे कभी कभी ज़्यादा हल्का या ख़ुदि नेचुरल उस पर जाती हैं कि मैं ख़ुदि ग्लो करूँ आई प्रेफर खाली लिपस्टिक और लाइनर लेकिन अगर कभी शादी में या यहाँ पे अभी आने के लिए अब मेकअप किया है लेकिन मैं वैसे आई डोंट
अच्छा, तो अगर कोई मतलब मेकअप जो ज़्यादा करती हैं जिनके इस तरह से हो जाते हैं तो उनका इलाज ये आपकी न्यूट्रिशन से भी हो जाता है? एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आई बिलीव इन हेल्दी ग्लो, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका खाना पीना सही है और आपकी हाइड्रेशन सही है तो आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो वैसे ही आ जाता है। तो आपकी बॉडी का ये हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। आप अंदर से अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करें, यानी कि अगर आप घी खा रहे हैं अपनी डाइट में, अच्छे फैट्स ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो आपकी जो स्किन है वो रिफ्लेक्ट करती है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई मैं खुद मेकअप कम करती हूँ, क्योंकि मैं खाना अच्छा खाती हूँ। So, खाना अच्छा खाने अच्छे से फायदा। खाने में क्या ऐसा खाना चाहिए कि हमारी जो स्किन है वो ग्लो करे? अच्छा खाना सारा वो खाना है जो नेचुरल खाना है, यानी कि सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, दालें हैं। बुरा खाना क्या है? शक्कर, प्रोसेस फूड। तो आपकी जो स्किन है उसके ऊपर, अगर आप देखें, अगर आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक मीठे का शौकीन है और एक नहीं है, जो मीठे का शौकीन है उसकी स्किन में एजिंग का प्रोसेस आपको ज़्यादा नज़र आएगा और जो नहीं है उसमें कम नज़र आएगा। बेशक दोनों एक जैसी चीज़ें कहाँ तक आएगी। तो आप एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ग्लाइकेशन। वो आपकी स्किन में जो है आपका जो कोलेजन है, यानी कि जो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देती है, जो चीज़ जिसको सीबम भी कहते हैं, नहीं कहते सीबम, वो अलग है, नहीं वो अलग चीज़ है। तो वो कॉलेजन जो है आपका जो है उसको उससे जाके शुगर स्टिक कर जाती है और उसकी वजह से आपकी एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। रिंकल्स जल्दी पड़ जाते हैं, स्किन में जो प्लम्प आपकी स्किन होती है जवानी में वो आपकी बुढ़ापे में नहीं रहती। तो अगर आप शक्कर ज़रा अवॉइड करेंगे, मीठे का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, मीठे का इस्तेमाल कम करेंगे, जंक फूड कम खाएंगे। जंक फूड क्यों मना कर रही हूँ? जंक फूड में आपके सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम बहुत होता है, सोडियम जो होता है वो आपकी बॉडी को होते हैं, डिहाइड्रेट करता है आपकी बॉडी को। तो आप अपने हिसाब से आप 2-3 लीटर पानी पी रहे हैं, लेकिन अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो आपका वो पानी पूरा निकल जाता है। हाँ, अच्छा, कुछ लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हर खाने में उनको जो है एक ड्रिंक चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, तो उससे क्या नुकसान है या नहीं? सॉफ्ट ड्रिंक भी तो शुगरी ड्रिंक्स जितनी है, शुगरी ड्रिंक्स चीज़ें जो जंक फूड है, आपके डोनट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, केक्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, ये सारे अवॉइड करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर चीज़ छोड़ दें, दुनिया छोड़ के बैठ जाएँ। हम एज अ न्यूट्रिशन हम 80-20 रूल पर बिलीव करते हैं, यानी कि 80% आप हेल्दी खाएँ और 20% आप जो है वो इंडल्ज करें। यानी कि हफ्ते में एक दफ़ा जो है हफ्ते में एक दफ़ा खा लें, चीट डे कर लें। हाँ। लेकिन चीट डे का मतलब चीट डे नहीं होता, चीट मील होती है। हाँ। यानी कि एक वक्त आप जब बाहर जा रहे हैं तो आप उस वक्त खा लें सब कुछ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने सैटरडे का दिन डिसाइड किया कि चीट डे है तो आप पूरे दिन सैटरडे को सुबह से लेकर काम नहीं हो, जैसे मैं करता हूँ बाकी दिन में। जब चीट डे मुझे जहन में आता है तो दुनिया जहान की चीज़ें याद आती हैं कि मुझे लंच कहाँ करना है। मीठा आप खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आप खजूर खा सकते हैं, फिक्स खा सकते हैं, रेजन्स खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं। जो नेचुरल मीठा है वो तो मना नहीं है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट वाइट शुगर। सही। अब जैसे अभी नसीब ने तड़का लगाया तो ये भी ज़रूरी है, इसके बगैर जैसी चीज़ें मुमकिन नहीं होती। हाँ, अब वही वाली बात आ रही है, तड़का लगाना ज़रूरी है, लेकिन तड़का लगाना इसलिए ज़रूरी है उसके लिए ऑयल का इस्तेमाल सही वाला होना चाहिए। अच्छा सभी ने, एक बहुत ज़रूरी सवाल मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले जो खाने खाते हैं उसका कोई नुकसान है या खा सकते हैं? मिर्च मसाले वाले खाने खा सकते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मयाना रवि तो हमारे दीन में भी है ना, तो किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम अच्छी नहीं है। हर चीज़ जो है वो आपको बैलेंस में खानी चाहिए। हमारे स्पाइसेस तो बहुत अच्छे हैं, हमारे स्पाइसेस यानी कि उसमें हल्दी हम डालते हैं, ज़ीरा डालते हैं, दालचीनी डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, ये वो वाले खाने जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है वो कैप्सूल में डाल के लोग खा रहे होते हैं और हम नेचुरली खा रहे होते हैं। क्या बात, तो कोई मसला नहीं है, वो चीज़ें ज़रूर खाएं आप, खाली अपने तेल का कंजम्पशन जो है बस वो जो है उसको ठीक रखें। ये सारी बातें ना नसीम सुन रही हैं। हम तो अब तो देखे ना रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो कहते हैं दालचीनी वाली चाय, इलायची वाली, उसमें अब तो ये ज़ीरा अदरक, ये हम कोई चीज़ छोड़ते तो है नहीं। वैसे चलते हैं सदफ के पास, आए हैं सदफ। बेस लगता है कंप्लीट भी कर दी। जी बेस मैंने कंप्लीट कर ली है। आजकल जो है वो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है लोगों को कि वो वाला ट्रेंड चला गया कि पहले बेसेस लगते थे 4-4 किलो की लेयर्स लगती थी, अब गलती से नाखून भी लग जाए तो उसमें फंस जाती थी। नाओ
द मोर नेचुरल यू आर आप उतने ही खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, आपने जो ऑरेंज वाली जो बेस लगाई थी उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने मेरा फाउंडेशन लिया और ऑरेंज के ऊपर जहाँ पे हमने ऑरेंज लगाया था मेनली हमने ऑरेंज के ऊपर उसको पैट किया उस फाउंडेशन को ताकि पहले हम उसको कवर करें। एक दफ़ा वो कवर हो जाएगा उसके बाद हम पूरे फेस पे जहाँ हमें फाउंडेशन की ज़रूरत होगी हम वहाँ मुंह पे फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन का बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि वो पूरे फेस पे लगता है। अगर फ़र्ज़ करें मेरे क्लाइंट का ये पार्ट इज़ फ्लॉलेस, वी डोंट नीड टू पुट द फाउंडेशन देयर। व्हाई डू यू नीड टू पुट द फाउंडेशन? फाउंडेशन क्या है एक्चुअली? फाउंडेशन आपकी स्किन को, हाँ सॉरी जी, फाउंडेशन छा थींदो आहे, फाउंडेशन थींदो आहे जेको तव्हांजी स्किन खे बिल्कुलु दाग़न खां साफ करे छदे। सिंधी मुझी अदा थोड़ी कोशिश कंदी आया पर सिंधी आया माऊ पर अच्छा त असांजी कोशिश इहा हूंदी आहे जो फाउंडेशन सां स्किन फ्लॉलेस बिल्कुलु थी वञे, बिल्कुलु क्लीन थी वञे। पर अगरि तव्हांजी स्किन ऑलरेडी क्लीन आहे, हिते को दाग़ कोन्हे, निशान कोन्हे, पोइ तव्हांखे कहिड़ी ज़रूरत आहे पूरे मुंहं ते लेयर हणण जी? ऐं हाणे कैमराज बि एतिरियूं HD थी वियूं आहिनि, हाई डेफिनेशन थी वेंदा, त असां जॾहिं असांजो हिकिड़ो हिकिड़ो पोर नज़र थो अचे त ऑब्वियसली लेयर्स बि नज़र ईंदियूं जॾहिं असां हणंदासीं। सभिनी खां पहिरीं त असांजे ॿाहिरनि खे फील थींदो आहे, इलाही सारो फाउंडेशन सां बि उहो एजिंग इफेक्ट अचे थो, अचे थो, कोड़ो लॻे थो, लाइन्स ॾिसण में अची थियूं वञनि। हाणे आउं तव्हांखे हिते कैमरा ते बल्कि आहियूं, असां सभु ॾिसनि पिया, असांखे मूंखे ॿुधायो केर बि मेकअप आर्टिस्ट आहे दुनिया जो जेको हिन खे लिकाए सघे थो? स्किन की लाइन्स को कभी नहीं हम ये रिंकल्स को छुपा सकते फिंगर्स पे, कदें भी नथा लिकाए सकूं। इनमें असां केतिरो फाउंडेशन हणंदी, असां लिविंग थिंग आहियूं, असां जीअं ही हिनखे मूव कंदासीं ही डीप थी वेंदियूं, त हिन खे असां नथा लिकाए सघूं। इन ईअं ई असांजो ही रिंकल्स बि आहिनि ऐं असांजो ही रिंकल्स बि आहिनि, जेके बि रिंकल्स आहियूं असां लिविंग थिंग आहियूं, असां जीअं ॻाल्हाईंदासीं खिलंदासीं असांजो रिंकल्स बिल्ड थियूं सां ऐं डिवेलप थींदियूं आहिनि टाइम सां। त हिन खे लिकाइण जो कॉन्सेप्ट ख़तमु थी वियो आहे। हाणे को फाउंडेशन को प्रोडक्ट दुनिया में कोन आहे जेको हिनखे, अनलेस तव्हां वञी इंजेक्शन्स लॻायो, बोटॉक्स करायो, फिलर्स, उहो हिकिड़ो अलॻि आहे कैटेगरी मेकअप जी। बट मेकअप सां जीअं सभिनि ॿुधायो त नेचुरल हेल्दी ग्लो इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कुझु माण्हुनि जी नेचुरल पिगमेंटेशन हूंदी आहे, हुननि जे लाइ वरी असां आहियूं जेके असां वरी एक्सटर्नली हुनखे हाइड करियूं था ऐं सुहिणो ठाहियूं था। ठीकु आहे, हाणे नेक्स्ट स्टेप इहो आहे जो असां आई मेकअप स्टार्ट कंदासीं। आई मेकअप जो जेको ही पार्ट आहे जेके असां क्रीज़ था चऊं, हीअ जेको डेप्थ हूंदी आहे असांजी ब्राउ बोन ऐं हिन जे हेठां, इनखे असां हमेशह मैट शेड लॻाईंदा आहियूं। को बि मैट शेड हिन पार्ट ते कॾहिं बि शिमर्स न लॻंदा आहिनि हमेशह, छो जो असांखे क्रीज़ थियणी। अगरि असां हिन ते शिमर लॻाईंदासीं असांजूं आईज़ चाइनीज़ थी वेंदियूं, बिल्कुलु असांजी डेप्थ ख़तमु थी वेंदी ऐं परियां खां या केर बि माण्हू असांखे ॾिसंदो त उहो चवंदो त असांजी जहिड़ो मोनोलिड्स थी वियूं। मोनोलिड्स उहे लिड्स हूंदियूं आहिनि जिन में हिते क्रीज़िस न हूंदियूं आहिनि, जीअं चाइनीज़ या जेको फारीस्ट जा माण्हू हुननि जूं हिते क्रीज़िस न हूंदियूं आहिनि, हुननि जूं असां आर्टिफिशियल क्रीज़ ठाहींदा आहियूं। ऐं इहा ई एजुकेशन मां पंहिंजे स्टूडेंट्स खे अकेडमी में ॾींदी आहियां त को बि मेकअप करण खां पहिरीं फेस शेप ऐं आई शेप्स ऐं फीचर्स जी थोरी एजुकेशन हुजणु ज़रूरी आहे, छो जो इन जे पुठियां बि हिकिड़ो कॉन्सेप्ट हूंदो आहे त अगरि असां मैट पिया लॻायूं फेस ते आई शेडो त छो पिया लॻायूं, या शाइन पिया लॻायूं त छो पिया लॻायूं। हर आई जे लाइ मैट बि कोन आहे ऐं हर फेस जे लाइ शाइन बि कोन आहे, त असां बसि इहो मैट लॻाए थोरो इनखे फिनिश कंदासीं ऐं हुन खां पोइ हिकिड़ी नैचुरल शेड ऐं तव्हांखे ॾेखारे थी छॾियां। हीउ वारो शेड खणी असां जेको क्रीज़ ते शेड आहियूं उहो ही ॿ शेड्स आयासीं, हुन खां पोइ असां हीउ नेचुरल शेड खणी ऐं बिल्कुलु हा शाइन आहे उहो असां बिल्कुलु लिड जे मथां लॻाईंदासीं, असां क्रीज ते न वेंदासीं, त हुन सां हिकिड़ी नेचुरल शीन क्रिएट थी वेंदी आहे जेको तव्हां राति जो बि कैरी करे सघो था ऐं ॾींहं जो बि कैरी करे सघो था। तव्हां मूंखां उनसां पुछी सघो था अगरि तव्हांखे बि कुझु सम्झ में अदा, तव्हां बि पुछी सघो था अदा सिखे पियो। न न मां त असांजे घर में जेतिरी शादियूं या कुझु अहिड़ो सीन थींदो आहे न अची मूंखां पुछंदियूं आहिनि, ॾिसो भला मां पोइ मां ई चवंदा न हू छो तव्हां खां, फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल त इहो थो अचे माइंड में तव्हां खां छो पुछंदियूं आहिनि? ज़ाहिर आहे हिते तव्हां जहिड़ियूं अधियूं असां वटि घणियूं आहिनि
उन्हें जो मेकअप डिसी डिसी आउं चुदा ना ना इनके थोड़ो लाइट कियो लेकिन था ठीक कियो अच्छा वो चाहती ना एक्सपर्ट ओपिनियन तो तांग खबर द मेल्स ऑफ द हाउस जेके ना मर्द घर जा वो सबनी का वधिक तांग जा एक्चुअली फीडबैक भी सुठी दिना एंड क्रिटिसाइज भी सुठो करना क्रिटिसाइज तमाम सुठो आई तारीफ तो करे ना करना अच्छा ना भी होना चाहिए वो दी अच्छा तारीफ तो करे ना करना ना ता ऐसा ना असन जो औरतों छक जन सजी तैयार थी अच्छी की मेल का पूछन हां मां के दी लगा के दी लगा आपको है वेस्ट का भी है यहाँ का भी है तो हमारी जो बहनें यहाँ पे होती हैं फिर वो जब बाहर जाती हैं किसी वेस्टर्न कंट्री में यहाँ पे ठंड ज्यादा है तो उनकी स्किन की प्रॉब्लम या फिर वहाँ पे रह के फिर जब यहाँ आती हैं जैसे आपने काफ़ी वक्त वहाँ गुजारा फिर यहाँ पे भी तो स्किन पे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है क्योंकि वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है हाँ जहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ पे आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है यानी कि डिहाइड्रेट होती है हाँ तो आपकी स्किन ड्राई ज़्यादा हो जाती है तो आपकी रिक्वायरमेंट पानी की और आपकी हाइड्रेशन की और अच्छे फैट्स की वो बढ़ जाती है तो आपको उसके लिए उसके हिसाब से चलना पड़ता है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है सर्दियों में प्यास नहीं लगती लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट तो नहीं कम होती ना तो पानी आपको याद करके पीना है आप उसको किसी तरह से एंकर कर लें कि आपको नमाज से पहले दो ग्लास पानी पीना है अलार्म लगा ले मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ जब मैं घर में होता हूँ तो ज्यादा पानी पीता हूँ क्योंकि अगर मुझे वॉशरूम जाना हो कुछ भी हो तो मेरे पास एक वो है और मैं जानबूझ के कुछ चीज रखता हूँ टेबल पे ताकि मैं बार बार इस्तेमाल करूँ उससे बड़ा फर्क पड़ता है वही अपने आप को किसी तरह से उसको रिमाइंडर जो है वो देना जरूरी है अगर आप पांच वक्त की नमाज होती है अगर नमाज के साथ दो ग्लास पी लें तो दस ग्लास तो आपके वैसे ही हो गए बिल्कुल सो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिसके जरिए आप जो है अपनी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करते हैं और दूसरा फिर वही विटामिन डी का जिक्र मैं करूँगी कि बाहर की कंट्रीज में विटामिन डी की रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा हो जाती है और ज़रूरी इसलिए हो जाता है उसको लेवल्स को चेक करना क्योंकि उनका सन का एक्सपोजर बहुत कम होता है बहुत कम ना होने के बराबर क्योंकि हमारे यहाँ अगर मौसम अच्छा होता है तो हम फौरन निकल पड़ते हैं कि वाह वाह वेदर वहाँ पे अगर सनी डे मिल जाए उनको तो उनके लिए समझ लें कि ईद आ गई ईद आ गई क्योंकि वहाँ पे अब जैसे मेरे बच्चे बाहर हैं तो उनकी तो 4 बजे छुट्टी 4 बजे अंधेरा हो जाता है सो उनका एक्सपोजर और कम होता है तो इसलिए उस वेदर में जो है डिप्रेशन और इस तरह के मसले ज़्यादा हो जाते हैं क्रेविंग्स भी ज़्यादा हो जाती हैं सो बेस्ट चीज़ ये है कि आप रात को जल्दी सोएं ताकि आप अननेसेसरी ना खाएं और जो बॉडी क्लॉक है या आपका जो सर्कैडियन रिदम है जो अल्लाह ताला ने बनाई है उसके साथ चलें जल्दी सोएं जल्दी उठें और कुछ लोग जो हैं वो लेट नाइट पार्टीज वगैरह में दावतों में जाते हैं कि 2-2 बजे खाना खाते हैं और घर आके फौरन सो जाते हैं हाँ हाँ वो भी गलत है दूसरा हमें एक तो लेट नाइट वैसे ही हेल्दी नहीं है हमारे लिए और स्पेशली इसमें सर्दियों के मौसम में क्योंकि आप जितना जागेंगे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट चूँकि बढ़ती है तो आपको अंदर से क्रेविंग होती है आपको भूख लगती है आपका मीठा खाने दिल जाता है आपका यू नो सर्दियों में नींद क्यों ज़्यादा आती है इसीलिए ज़्यादा आती है ना क्योंकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अंदर से थर्मोजेनेसिस आपका स्टार्ट हुआ हुआ है आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न हो रही है आपको भूख ज़्यादा लग रही है इसी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं दूसरी एक और चीज़ मैं अब क्योंकि हमारे पास हाँ ये आई हुई हैं और मेकअप कर रही हैं उसके हवाले से बात करें मेकअप करने में कोई बुराई नहीं है मैं अभी जैसे कह रही थी कि मेकअप मैं नहीं करती या कम करती हूँ तो मेकअप करने में बुराई नहीं है लेकिन रात को जो है वो क्लिनजिंग करके सोना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन जो है वो ब्रीथ कर सके और उसको ऑक्सीजन मिल सके दूसरा क्वालिटी ऑफ मेकअप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जिस तरह से हम खाना खाते हैं तो हम अच्छी क्वालिटी का खाना खाते हैं हम बेहतर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में इंग्रेडिएंट्स बेहतर इस्तेमाल करते हैं इस तरह जब आप मेकअप करते हैं तो मेकअप के लिए अच्छी जो प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छी कंपनीज़ हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है बहुत अच्छी बात की अक्सर तो हमारी जो बहनें हैं वो रात को कोई ना कोई क्रीम या वो लोशन लगा के सोती है उससे तो वो पोर्स बंद हो जाते होंगे तो ऑक्सीजन कैसे मिलता होगा नहीं नहीं मॉइस्चराइजर जरूरी है हां मॉइस्चराइजर इज डिफरेंट एंड मेकअप इज डिफरेंट मेकअप ये है जैसे ये फाउंडेशन लगा रही है तो अब अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग शादियों में जाते हैं और कहीं जाते हैं पार्टीज में वापस आके काहली होती है थक गए होते हैं तो हम कहते हैं यार सुबह अब उतार लें ये तो डिजास्टर है स्किन के लिए तो उसमें इनकी कोई गलती नहीं है कि उन्होंने मेकअप किया है गलत हमारा वो तरीका है कि हमने मेकअप उतारा नहीं है जी कॉल आए असावटे अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वालेकुम सलाम मामा साबित बटो पूरा को तुम आदी जी अदा किए हो ठीक कयो
मुख्तलिफ़ मौसम के हवाले से उन मुख्तलिफ़ स्किन के लिए वो फेशियल के लिए असो पुछो इन बीबी साहब को जी जी पुछो अक्सर कर ड्राई स्किन भी रहे इन मौसम में तो उनमें कड़ी फेशियल इस्तेमाल करें और पाकिस्तान की कड़ी सुठी प्रोडक्ट है जो यूज कराए कस्टमर के प्रोडक्ट जो नालो तो अस प्रोग्राम में न वी सी पर ड्राई स्किन पुछू था अदी का ड्राई स्किन के लिए क्यों फेशियल करो फेशियल सुठो रहा कराइंदा फेशियल अच्छा हाँ इन में यो है तो जैसे ही को कॉस्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट पान असेस न करे हाँ। जी स्किन जो टाइप टच करे या उनकी जो भी असेसमेंट है 90% मानों की खबर न होंगी है असानी स्किन ड्राई है या असानी स्किन प्रॉब्लमेटिक है या सेंसिटिव है या ऑयली है या नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है जो भी है असा के लगन है तो बस हाँ सर्दियों अचन पुं स्किन छिकजे पी तो स्किन ड्राई है जैसे तो वह ही स्किन समर्स में ऑयली थी वी है तो इन कर चवण मतलब इन बुधाएं चैनल से तो को सही रहो छो जो का गलत शे इस्तेमाल कर गलत तरीकों से स्किन चवे तो जी हाँ कंसल्टेशन एक दफ़ा क्या असबीन सही कह रही हूँ मैं कि अगर कोई ये कहता है जैसे मीडिया पे कि हमारी स्किन ड्राई है या ऑयली आप बगैर असेस किए नहीं बता सकते आप जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बीमारी बताते हैं पहले मतलब वो आपको सारी हिस्ट्री लेता है या न्यूट्रिशनिस्ट के पास आते हैं वो आपका पूरा पैटर्न लेता है अगर डॉक्टर ने कह दिया कि उनकी स्किन ड्राई है तो कौन सा फेशियल वो हाँ उसके लिए फिर ये कि आप लोग डिफरेंट फेशियल अगेन हम लोग ब्रांड्स नहीं बता सकते हाँ, हैं यहाँ पे हाँ, ऐसे फेशियल्स जो कि ऑयली स्किन के लिए हैं अच्छा, अगर और वो भी रेकमेंड करेगा आपको स्किन स्पेशलिस्ट देखें ब्यूटिशंस यहाँ पे विथ ऑल रिस्पेक्ट सब लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं एक बिजनेस मॉडल भी होता है लोगों का कि ये फेशियल करा लें तो इससे आप ये ग्लो कर देंगे ये करा लें तो वाइट हो जाएंगे ये करा लें तो आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी उसमें ये कि एजुकेशन कितनी है जब ब्यूटिशन आपको एक रेकमेंड कर रहा है कि ये स्किन पे ये फेशियल करा लें तो उसमें उस ब्यूटिशन को कितनी नॉलेज है वो भी तो मैटर करता है ना तो एनी फेशियल विच इज गुड फॉर ड्राई स्किन वो परचेज कर लें और वो करवा लें सही जी अभी हमारे पास 6 मिनट रह गए और थोड़ा सा स्टाइलो के बारे में भी बात कर लेते हैं हाँ। और हमारे जो प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं स्टाइलो शूज़ और बैग्स और स्टाइलो वाला चवन था इस वेडिंग सीजन स्टाइलो या वेडिंग कलेक्शन की एक वसी रेंज शादी सीजन को मद्देनज़र रखते हुए स्टाइलो वेडिंग कलेक्शन 2021 में आप देखेंगे मुनफरद स्टाइल डिज़ाइन मुख्तलिफ फैशनेबल वैरायटी जिसमें सेमी फॉर्मल फॉर्मल हाई हील्स खुस्से सब शामिल हैं खूबसूरती के साथ इस बात का ख्याल रखा गया है कि जूते कम्फर्टेबल हों ताकि शादी के फंक्शन में आप अनकम्फर्टेबल ना हो मेरी वेडिंग कहानी के ज़रिए स्टाइलो ने डेस्टिनेशन वेडिंग के ट्रेंड को नहायत मुनफरद तरीके से स्क्रीन पर दिखाया है डेस्टिनेशन वेडिंग की ये कहानी इंस्पायर्ड है इन लोगों की शादियों से जो अपनी ज़िंदगी का हसीन आगाज़ मुनफरद लोकेशन पर करना चाहते हैं इस फिल्म की कहानी को हुंजा की हसीन वादियों में फिल्माया गया है जिसमें दिलकश नज़ारों और बुलंदों वाला पहाड़ों के साथ स्टाइलो शूज़ की ब्राइडल कलेक्शन को शादी के मुख्तलिफ इवेंट्स पर मुनफरद अंदाज से दिखाया गया है इसके साथ साथ स्टाइलो के तमाम आउटलेट पर क्लचेस फैंसी क्लचेस ज्वेलरी परफ्यूम स्टाइलो प्रिंट की वसी वैरायटी मौजूद है जिससे आपको वेडिंग की शॉपिंग में और भी आसानी होगी हर साल की तरह इस साल भी वेडिंग कलेक्शन में कस्टमर की पसंद का खास ख्याल रखा गया है हमें पूरा यकीन है कि इस दफ़ा भी आपको हमारी स्टाइलो वेडिंग कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी चलिए ज़बरदस्त और आखिरी हमारे पास 3 मिनट रहते हैं उनसे अगर खबर पौंदी तो जैसी दी अदी सदफट अचूं सभी आप क्या मैसेज देंगे हमारे देखने वालों के लिए
आज इसके हवाले से मैसेज दे दूं तो बेहतर है कि स्किन की प्रोडक्ट्स आप जो भी इस्तेमाल करें वो एक तो अच्छी वाली करें, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, तो उसके ज़रिए आपकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप मेकअप इस्तेमाल करें प्लीज़ रात को मेकअप उतार के सोएं और अच्छी क्वालिटी का मेकअप यूज़ करें। इसके अलावा जो डिओड्रेंट भी हम इस्तेमाल करते हैं, एंटी परस्पिरेंट हम यूज़ करते हैं, उसको भी नेचुरल इस्तेमाल करें, क्योंकि वो भी स्किन पे एब्जॉर्ब होता है। स्पेशली आजकल ये जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का वो चल रहा था, तो उसके अंदर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था कि आपकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो आपकी आर्मपिट से होती है। सही। तो आपकी आर्मपिट पे आप जो डिओड्रेंट इस्तेमाल कर रहे हैं प्लीज़ वो नेचुरल वाला इस्तेमाल करें। ये पाउडर्ड और ये नहीं, आपकी एलम स्टिक होती है, फिटकरी कहते हैं जिसको, इस तरह की नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें पसीने से बचने के लिए। और वो करने के लिए ये जो स्टिक वाले डिओड्रेंट्स होते हैं या जो स्प्रे वाले डिओड्रेंट्स होते हैं वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक होते हैं और वो आपकी बॉडी में मुख्तलिफ ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। सही। ठीक है, तो स्किन को अपनी प्रोटेक्ट करके चलें, उसके बाद माशाल्लाह इंशाल्लाह आपका ग्लो वैसे ही रहेगा। ज़बरदस्त है यदि नसीम जे मेहमान चवन था, मेहमान के चबा ना साईं बस 10 मिनट पे हो असा जा दम ते आ बस साईं 10 मिनट हाने कच्चा तो ना खड़ीदा सी तो आज असा साईं थी कच्चा था पर थोड़ो टाइम थोड़ो इंतजार लगन इंतजार कंदा ना कच्चो ना है खाणो भले ता आराम भले आराम सा मेहमान ते असा ते टाटा बाय बाय कर सकदा सी पर इते आहिन असा वट। हां जो फाइनल लुक दिसू था सदफ जे मेकअप जो ॾाढो ज़बरदस्त आहे। इहे जो आप तव्हां जेको साइड ते कॉर्नर्स ते जेको तव्हां ब्लैक खयो आहे इहो ॾाढो सुठो पियो लॻे। मां बि ट्राई कंदसि, मां बि ट्राई कंदसि कयूं था। फाइनल लुक आहे थोरो जल्दी जल्दी में कयो असां अॼु डिटेल, इनशाला नेक्स्ट एपिसोड में असां डिटेल में अञा बि कंदासीं। बट अगेन फीचर खे ॾिसी ऐं मेकअप खे माइंड में रखणो हूंदो आहे, जंहिंमें स्किन बि नेचुरल लॻे। कॉन्टोरिंग कई आहे, कॉन्टोरिंग भी मूं कई आहे ऐं कॉन्टोरिंग जो बि हिकिड़ो हिते असां ईयर्स जो जेको मथे टॉप पार्ट आहे लिप्स जो खणी असां हिन खे फोकस में रखी पोइ मथे जी तरफ़ कंदा आहियूं ताकी ही नेचुरल डिप्रेशन खां मथे ठहे। हू त जेका सवेर मानूर मॉडल आई उहा कॾहिं हुई मानूर आपको कैसा लग रहा है अपना लुक मिरर में देखें आप तो? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, तभी तो मैं कह रहा हूं कि वो मॉडल कहां गई जो सुबह आई थी यहां पे। ये हम सब ऐसे ही होते हैं सुबह, ये दूसरा जैसे हमें डर जाता है कि कहां गए वो जो यहां फिर रहते लोग। थैंक यू वेरी मच अदी, थैंक यू वेरी सदा, थैंक यू मच मानू, आप अब बहुत अच्छी लग रही हैं, पहले भी अच्छी लग रही थी अब भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सदा, थैंक यू सभी, थैंक यू। आई अन्या असा जो भत्त जेको आ बिरयानी है भत्त अदी भत्त किते पतो भत्त पहुंचण वारो आ दा है ना थोड़ी देर में, थोड़ी देर में यो असा जी बिरयानी तैयार थी वंदी 5 मिनट में लगंदा रहंदे जी। दोस्तों प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे। हिकु ॻाल्हि ज़रूरु कंदासीं त ज़िंदगी में खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं थींदियूं आहिनि जेके अनएक्सपेक्टेड हुजनि, अचानक अचानक थींदियूं आहिनि असांजी लाइफ में, त पोइ असांखे उन लाइ हमेशह लाइ तयारु रहणु खपे। काफ़ी शयूं अहिड़ियूं हुजनि जेके असां चाहींदा आहियूं त थियनि पर थींदियूं न आहिनि, उन में भला असांजी का मसलत थींदी आहे। सो इनशाला ताला तव्हां सां मुलाक़ात रहंदी मंडे ते, वरी प्रोग्राम थींदो मंडे ते तव्हां सां गॾु हूंदासीं ऐं उन सां गॾो गॾु पंहिंजी दुआ में असांखे ज़रूरी यादि रखिजो, कॾहिं बि अहिड़ा हालात अचनि जेके अनएक्सपेक्टेड शयूं ज़िंदगी में अचनि, हिमत न हारणु खपे ऐं हमेशह पंहिंजे जोश जज़्बे सां ऐं पंहिंजे भरम सां पंहिंजी बुर्दबारी सां शयुनि खे डील कजे त वधीक बहितरु आहे। सो अॼु ॾाढो ज़बरदस्तु ॾींहुं आहे, बहितरीन ॾींहुं आहे, अॼु जे ॾींहं ते दुआऊं क़बूल थींदियूं आहिनि। सो असां हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदासीं त जॾहिं बि दुआ जे लाइ हथु खणो या ज़हन में का अचे त असांखे दुआ में यादि रखंदो त तव्हांजी महिरबानी थींदी, तव्हांजे उन्हनि ॿिनि लफ़्ज़नि जे करे असांजा मसला, असांजी शयूं आसान थींदी। पंहिंजे मेज़बाननि खे ॾींदा इजाज़त, ॿेड़ा पार हुजनि जिते बि जो ख़ैरु ख़ैरु हुजे। अलाह हाफ़िज़, अलाह नगेबान, छंछरु आचर जी मोकल आहे।